नमस्कार, YouTube के विश्व भारती चैनल में क्लास 10th के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं हिंदी गद्य भाग मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित संस्मरण है, इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ होता है बार बार स्मरण करना, कृत्य या संस्कार से उत्पन्न ज्ञान। कहने का मतलब, ये फादर बुल्के को ये संज्ञा दी गई है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर कामिल बुल्के में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम मानवीय करुणा की दिव्य चमक पर मैं शीर्षक पर प्रकाश डाल रहा हूँ। मानवीय करुणा मीन्स होता है मनुष्य के मन में पैदा होने वाली दया। दिव्य मीन्स होता है महान, अद्भुत, महान, विचित्र, और चमक मीन्स ज्योति। मानवीय मनुष्य से संबंधित है। करुणा का अर्थ दया होता है। दिव्य मीन्स महान, चमक मीन्स ज्योति। ऐसे मनुष्य जिनके मन में दया उत्पन्न होती है, उस महान ज्योति को हम लोगों को संस्मरण के रूप में यादगार के रूप में रखना चाहिए। पाठ पर आइए। पाठ का पहले मैं पाठ परिचय देता हूँ। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। किसी महान व्यक्तित्व की स्मृतियाँ ही कलमबद्ध होकर संस्मरण बनती है। कोई पूछ सकता है कि संस्मरण क्या है, तो हम कह सकते हैं कि महान व्यक्तित्व की स्मृतियाँ, व्यक्तित्व जिसको पर्सनालिटी हम कहते हैं, स्मृतियाँ बीती हुई बातों को याद करना। ऐसे महान व्यक्ति जो इस दुनिया से गुजर गए हैं, उनको याद करना, उनको अपनी लेखनी से उनकी रचना करके, उनके बारे में रचना करके, उनके बारे में लिख करके जो हम एक कथा या कहानी तैयार करते हैं, उसको ही संस्मरण कहते हैं। तो प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। किसी महान व्यक्तित्व की स्मृतियां ही कलमबद्ध होकर संस्मरण बनती हैं। राम कथा के प्रसिद्ध लेखक फादर कामिल बुल्के पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित यह संस्मरण अपने आप में एक स्मृति लेखा है। उस महान व्यक्तित्व का जिसने जन्म तो पाया बेल्जियम, यूरोप में पड़ता है, बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में, लेकिन अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर कामिल बुल्के जिस रैम्स चैपल में पैदा हुए, वह पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। वे भी संत थे, किंतु पारंपरिक न होकर साहित्यिक संत। साहित्यिक संत थे कौन? कामिल बुल्के। लेखक का मानना है कि
तब तक फादर की कीर्ति राम कथा को याद किया जाएगा। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों से आगाध प्रेम रखने वाले व्यक्ति के अपूर्व उदाहरण के रूप में समझा जाएगा, जब तक भारतीय लोकमानस में वास्तविक राम कथा जीवित रहेगी। कहने का मतलब ये है कि फादर बुलके तो यूरोपवासी थे, यूरोपीय थे, लेकिन जब वे संत बने तो वे अपनी आंतरिक इच्छा जाहिर भारत में बिताना शौकिए। भारत में अपना कर्म भूमि उन्होंने बनाया और भारत में आने के बाद वे साहित्यिक संत के रूप में प्रचलित रहे। यहाँ आने के बाद उन्होंने राम कथा शोध कार्य, राम कथा पर एक अपना शोध प्रकट किए और उसके बाद वे भारतीय लोकमानस में चर्चित रहे। कब तक? तो कहने का मतलब जब तक ये संसार चलेगा, जब तक राम कथा प्रचलित रहेगी, तब तक फादर बुलके को संस्मरण दुनिया करती रहेगी। अब पाठ पर आ जाइए। एक लंबी पादरी के सफेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। आकृति मतलब चेहरा। फादर बुलके की जो आकृति है, उनके शरीर का जो आकार है, सामने सफेद चोंगे से ढका हुआ है। गोरा रंग सफेद झाई, गोरा रंग करने का मतलब बिल्कुल गोरा। झाई मारती भूरी दाढ़ी, कहने का मतलब दाढ़ी भी सफेद। नीली आंखें, बाहें खोल गले, आंखें बाहें खोल गले लगाने को आतुर। देखने में ऐसा लगता है कि किसी से गले मिलने के लिए तैयार हो। लेखक 35 साल से उनका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज भी वह उनके स्नेह को हृदय में महसूस करता है। फादर बुलके नहीं है, संस्मरण के रूप में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उनको याद कर रहे हैं कि फादर बुलके का वेशभूषा कैसा था। फादर बुलके भारत आए तो उनसे उनकी मुलाकात कहाँ हुई और फादर कामिल बुलके के साथ लेखक कितने दिन समय व्यतीत किए और उनको विशेष क्या मिला उनके साथ रहने से, उसी बात को लेखक दोहरा रहे। लेखक 35 साल से इसका साक्षी था,
तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज भी उनके स्नेह को हृदय से महसूस करता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। कहने का मतलब लेखक उदाहरण के रूप में पेश करते हैं कि स्नेह से आतुर थे वे, इतने मिलनसार व्यक्ति थे कि उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम ही होगा। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। करुणा के निर्मल जल पवित्र जल होता है। कहने का मतलब पवित्र जल में स्नान करने से जैसे आत्मा शुद्ध होती है, शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही फादर मिलने के बाद, फादर बुलके से मिलने के बाद व्यक्ति महसूस करता था कि आज मैं करुणा के पवित्र जल में स्नान किया। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में था, फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। परिमल एक साहित्यिक संस्था है, जिस संस्था के सदस्य लेखक भी हैं और फादर बुलके भी हैं। ये साहित्यिक संस्था है। इस संस्था में पढ़े लिखे विद्वान लोगों का ये एक संस्थान है परिमल, जिसमें लेखक फादर बुलके और लेखक के कई मित्र इसमें सदस्य के रूप में थे। फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। पारिवारिक स्नेह में बड़े सदस्य के समान थे, पर वे गोष्ठियों में, विचार विमर्श में और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे। लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न उन्हीं ने डाला था। कहने का मतलब ये इस तरह के संत थे जो किसी से एक बार संबंध बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इनका किसी से पारिवारिक संबंध होता था, जैसे मानो किसी के परिवार के वे मेंबर हों, सदस्य हों। तो पारिवारिक स्नेह में बड़े सदस्य के समान थे। किसी के यहाँ उत्सव या किसी भी ओकेजन पर, शुभ ओकेजन पर लोग इनकी मित्र मंडली इनको घर ले जाते और इनसे काफी सहयोग पाते। जैसा कि लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न उन्हीं ने डाला था। उनकी नीली नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य। वात्सल्य क्या है? एक तरह का प्रेम है, स्नेह है, जो छोटे के साथ किया जाता है। देवदारू, देवदार एक पेड़ का नाम है जिसकी छाया शीतल होती है। तो कहने का मतलब फादर की नीली आंखों में वात्सल्य, प्रेम, स्नेह, छोटे के लिए देवदारू की छाया के समान
यादगार होता है। लेखक को फादर प्रायः इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाते थे। उनको वह क्रोध में कभी नहीं देखा, ममता और प्यार के प्रतिमूर्ति के रूप में ही दिखे हैं। आज तक फादर कामिल बुल्के को लेखक ने क्रोध उत्पन्न करते हुए कभी नहीं देखा। ममता और प्यार के प्रतिमूर्ति के रूप में ही दिखे हैं। ममता और प्यार के प्रतिमूर्ति जीती जागती मूर्ति के रूप में वे दिखे हैं। मूलतः वे बेल्जियम के वासी थे, हमारे यहाँ के तो थे नहीं, बेल्जियम यूरोप के थे। उन्होंने भारत की बड़ाई लोगों के मुख से सुनी थी, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ कृति, यहाँ के लोगों में अद्भुत संस्कार, उनके मन मस्तिष्क में छाया हुआ था। घर में माता पिता, दो भाई और एक बहन थी। वे अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल को बहुत सुंदर मानते थे। ऐसा तो भारत को ही अपना देश मानने लगे थे। किसी का जन्मभूमि उस व्यक्ति के लिए प्रिय होता है। फादर कामिल बुल्के के लिए भी उनकी जन्मभूमि बेल्जियम में रैम्स चैपल है, जो उनके लिए काफ़ी अच्छी है। कहा जाता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जैसा फादर बुल्के बेल्जियम के रैम्स चैपल को सुंदर मानते थे, ऐसे तो भारत को ही अपना देश मानने लगे थे। उन्होंने अपनी माँ से भी गहरा लगाव रखा। अक्सर उनकी माँ के पत्र उनके पास आया करते थे। डॉक्टर रघुवंश को वे माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि वे बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। इतने सुंदर व्यक्तित्व वाले आदमी, इतने तेज, इतना ज्ञान रखने वाले व्यक्ति जो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, एकाएक उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागृत हुई, कैसे उत्पन्न हुई, लेखक हैरान है। जबकि घर भरा पूरा था, पिता व्यवसायी थे, एक भाई भी वही पादरी हो गया है। पादरी मीन्स वो ईसाइयों के मठ में जो संत के रूप में संत हो जाता है, उनको पादरी बोला जाता है। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत कड़े मिजाज की उनकी बहन थी। बहुत देर से उसने शादी की। भारत में बसने के बाद वे दो तीन बार ही बेल्जियम गए थे। भारत आने के बाद, सन्यासी बनने के बाद जब वे भारत था, उन्होंने भारत को अपनी इच्छा से चुना। कि जब उनके गुरु दीक्षा देने लगे तो पूछे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो उसने भारत का नाम रखा, भारत के लिए इच्छा जाहिर की। और भारत आने के बाद वे दो तीन बार ही बेल्जियम गए थे। उसके बाद
ये शुरू क्या ही समय था, मैंने 2-4-5 वर्ष के अंतराल में 2-3 बार गए थे। उसके बाद वे क्यों गए थे तो बरबस उनकी माँ याद आती थी, इसलिए वो जाया करते थे। पिता से उतना लगाव नहीं था। लेखक ने कहा, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? उसने कहा, प्रभु की इच्छा। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। होनहार बिरवा के हो चिकने पात। कहने का मतलब, मॉर्निंग सोज द डेज, सुबह से ही दिन का पता चलता। जब फादर बुलके की माँ उनके बारे उनका स्वभाव का परीक्षण की तो महसूस की कि लड़का घर परिवार में नहीं ठहरेगा, सन्यासी होगा। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था लड़का हाथ से गया। सचमुच ऐसा ही हुआ और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि वह सन्यासी बनना चाहता है तो एक शर्त रखी कि वह भारत जाएगा। कोई भी सन्यासी बनने वाले अपने धर्म गुरु से शर्त रख सकते हैं, ये इसके लिए स्वतंत्रता है। उसने भारत जाने की शर्त रखी, हाँ वह भारत जाएगा। लेखक ने कहा, भारत जाने की बात मन में क्यों उठी, अन्य देश में क्यों नहीं, इस पर वे विशेष नहीं बताए, बस आंतरिक इच्छा जाहिर की। हो सकता है दुनिया के सभी देशों में भारत उनको अच्छा लगता होगा, उनके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ देश भारत होगा, इसलिए उन्होंने भारत का नाम रखा। भारत आने पर फादर ने जीसेट संघ में धर्माचार की पढ़ाई पुनः 9-10 वर्षों तक दार्जिलिंग में पढ़े, फिर कोलकाता से बीए और उसके बाद इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। फादर ने वर्ष 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर राम कथा उत्पत्ति और विकास नामक विषय पर शोध पूरा किया। शोध पूरा किया मतलब क्या होता है? कहने का मतलब, रिसर्च करने के बाद, राम कथा पर रिसर्च करने के बाद उसने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम क्या रखा गया? राम कथा। राम कथा शोध प्रबंध। देखिए, एक विदेशी आदमी में राम के प्रति कितनी अच्छी भावना उत्पन्न होती है और उन्होंने राम को आदर्श मान करके राम पर शोध प्रबंध कार्य किया। किसने? तो कामिल फादर बुलके ने। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। परिमल, जैसा कि मैंने बताया, ये एक साहित्यिक संस्था है। जिस संस्था के सदस्य लेखक भी थे
और फादर कामिल बुलके भी थे। जब राम कथा शोध प्रबंध कार्य पूरा हुआ तो उस पुस्तक को परिमल में पढ़ा गया, क्योंकि उसमें एक से बढ़कर एक विद्वान थे। मूर्धन्य विद्वानों की मंडली थी कौन? परिमल। उसमें राम कथा के पूरे अध्याय पढ़े गए। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पक्षी के नाम से रूपांतर भी किया। रूपांतर मतलब रूप परिवर्तन, जिसकी रचना में परिवर्तन किया जाए वही रूपांतर है। ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पक्षी नाम से किया गया। किसके द्वारा? फादर कामिल बुलके के द्वारा। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। साहित्य संस्कृत से इनका इतना लगाव था कि रांची विश्वविद्यालय में सेंट जेवियर्स कॉलेज, जिसका हिंदुस्तान में उन दिनों स्थान था, उस कॉलेज में दो विभागों के अध्यक्ष, हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष के रूप में फादर कामिल बुलके को नियुक्त किया गया। इसके बाद वे दिल्ली आए और 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष का जीवन जीने के बाद पंच तत्व में विलीन हो गए। कहने का मतलब, भारत में फादर कामिल बुलके कितने वर्ष रहे? 47 वर्ष। लेखक के साथ कितने वर्ष रहे? 35 वर्ष। यहाँ आने के बाद अद्भुत कार्य करके वे कहाँ विलीन हो गए? पंच तत्व में। शरीर पांच तत्वों से बना है और फिर उन्हीं पांच तत्वों में विलीन हो जाता है, जैसे फादर कामिल बुलके पंच तत्व में विलीन हो गए। फादर बुलके संकल्प से सन्यासी थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी। हर मंच में इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में वे देखना चाहते थे और इसके राष्ट्रभाषा का हिंदी को दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने बहुत यत्न किए, बहुत कोशिश किए, बहुत संघर्ष किए और अकाट्य तर्कों से अपने मत को श्रेष्ठ घोषित किए। वे हिंदी वालों को ही हिंदी की उपेक्षा करते देखकर झुलझुलाते थे। जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी की उपेक्षा, हिंदी का अनादर उनके द्वारा जब वे देखते थे, सुनते थे, तो झुलझुला जाते थे, क्रोधित हो जाते थे। ऐसे उनको क्रोधित किसी ने कभी नहीं देखा। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे उनके कब्रगाह में उनको कब्रगाह में उतारा गया। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुलके धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। उस समय कुछ पादरी डॉक्टर रघुवंश का बेटा जैनेन्द्र, विजयेंद्र, अजीत, निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग डॉक्टर सत्य प्रकाश,
आदि सभी लोग रो पड़े। ये सोचने की बात है कि एक विदेशी आदमी जो दूसरे देश में अपना प्राण त्यागता है, उसके नाम पर भी रोने वाले लोगों की कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह अद्भुत व्यक्ति था, वह दिव्य पुरुष था। लेखक कहता है कि फादर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से आलोकित महामानव थे। उनकी स्मृति पवित्र यज्ञ के प्रकाश के समान हमें आलोकित करती रहेगी। लेखक इन्हीं शब्दों के माध्यम से फादर कामिल बुल्के को अपनी श्रद्धांजलि देता है। धन्यवाद। मानवीय करुणा की दिव्य चमक प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? उत्तर, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी क्योंकि उसकी छाया शीतल और मन को शांत करने वाली थी। फादर परिमल संस्था की गोष्ठी में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। संस्था के सभी सदस्यों के साथ वे पारिवारिक रिश्ता बनाकर रहते थे। लेखक और उनके मित्र भी संस्था के सदस्य थे। वे सबके घरों में उत्सवों और संस्कारों पर पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। हर व्यक्ति उनसे स्नेह और सहारा प्राप्त करता था। लेखक के बच्चे के अन्नप्राशन कहते हैं, जब पहले बार बच्चा के मुंह में अन्न डाला जाता है, वो भी एक संस्कार है। तो उस अन्नप्राशन संस्कार में वे पहली बार उनके बच्चे के मुंह में अन्न डाले थे। उनकी नीली आंखों में वात्सल्य तैरता था, इसलिए सबको उनकी उपस्थिति देवदार की छाया के समान प्रतीत होती थी। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जिस आधार पर ऐसा कहा गया है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर देखिए दूसरा प्रश्न का। फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है, अभिन्न अंग यानी जिस अंग को अलग नहीं किया जा सकता, जिस अंग का अन्य अंगों के साथ गहरा संबंध हो, उसे अभिन्न अंग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति के ये अभिन्न अंग कहा गया है किनको? फादर बुल्के को, क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। अब वे भारत को ही अपना देश मानते थे। उनके सबसे अधिक आत्मीय भारतीय थे। उन्होंने यहाँ रहकर राम कथा के उद्भव और विकास पर शोध कार्य किया। उन्होंने हिंदी सीखी ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी हिंदी का सबसे अधिक प्रामाणिक कोश डिक्शनरी तैयार किया। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत प्रयास किए। हिंदी
की समृद्धि के लिए ब्लू बर्ड तथा बाइबिल का हिंदी रूपांतर भी किए। यहाँ के उत्सवों में वे अभिन्न सदस्य के रूप में उपस्थित रहते थे। अतः उपर्युक्त गुणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वे सचमुच भारतीय संस्कारों में खो चुके थे। तीसरा प्रश्न, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर बुल्के को हिंदी से बहुत प्रेम था। आंसर है तीसरा का, फादर बुल्के को हिंदी से बहुत प्रेम था। उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध हिंदी में ही लिखा तथा प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोष तैयार किया। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। उन्हें इस बात पर दुख होता था कि हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं। चौथा प्रश्न, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, चौथा का, प्रस्तुत पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की निम्न छवि उभरती है। पहला, फादर कामिल बुल्के विदेशी होते हुए भी सच्चे अर्थों में एक भारतीय थे। दूसरा, फादर में सभी के लिए ममता और वात्सल्य भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। वे एक बार जिससे रिश्ता जोड़ते उसको कभी नहीं तोड़ते। तीसरा, फादर को भारतीय भाषा संस्कृति और साहित्य से अटूट प्रेम था। चौथा, उनके संतावना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित हो उठता था। पांचवा, वे हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इसलिए इस तरह पांच पॉइंटों में इस प्रश्न को हल किया गया है। पांचवा प्रश्न देखें, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? आंसर इस प्रकार है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे तरल हृदय के थे। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे बल्कि देते ही थे। वे हर दुख में साथी होते थे। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघला रहता था। उस तरलता की दिव्य चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। छठा प्रश्न, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? आंसर इस प्रकार है, प्रायः सन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, जबकि फादर ने ठीक उसके विपरीत छवि प्रस्तुत की है। वे परंपरागत पादरियों से भिन्न थे। वे सन्यासी होते हुए भी अपने परिचितों के साथ गहरा लगाव रखते थे। वे सबको गले लगाकर मिलते थे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्ग की भांति शामिल होते थे। वे कभी किसी को अपने से दूर तथा अलग नहीं प्रतीत होने देते थे। इसलिए लोग उन्हें पादरी नहीं बल्कि अपना संरक्षक मानते थे। सातवां प्रश्न, आशय स्पष्ट करना है, इसमें क देखिए, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। आंसर इस प्रकार है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके प्रियजन
परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में रोए कि उनको गिनना कठिन है। जैसे स्याही की एक बूंद किसी वस्त्र पर गिर जाता है तो वो पूरे वस्त्र में वो बूंद फैल जाता है, उस तरह से फादर बुलके की जब मृत्यु हुई तो वहां जितने लोग थे सब उनकी शोक सभा में उपस्थित हो गए और सबकी आंखें नम हो गई। पुनः इसको सटीक रूप में देखें, फादर कामिल बुर्के की मृत्यु पर उनके प्रियजन परिचित साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में रोए कि उनको गिनना कठिन है, अर्थात उन्हें गिनने से कोई परिणाम नहीं निकलता है क्योंकि वे अनगिनत हैं। ख देखिए, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। आंसर इस प्रकार है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने ही आप नम हो जाती हैं। ठीक वैसी ही दशा फादर बुलके को याद करते समय हो जाती है। अब इस पाठ का सारांश देखें, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का सारांश। सारांश पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि पूरे पाठ की झलक सारांश से ही मिल जाता है और हर प्रश्नोत्तर को हल करने में यदि आपके मन मस्तिष्क में सारांश हो तो काफी सुविधा होती है। देखिए, लेखक को दुख है कि फादर बुलके की मृत्यु जहरबाद से हुई। जहरबाद एक रोग है जिसको गैंग्रीन कहते हैं। ये क्या है? एक जहरीला फोड़ा है। मृत्यु के समय ऐसे अच्छे आदमी को ऐसे दुख से ग्रसित होना ये एक शोचनीय प्रश्न है। जबकि वे जीवन भर लोगों को स्नेह की मिठास बांटते रहे, फिर भी हम किस अवसर किस ईश्वर से पूछे कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा कष्ट क्यों मिला। उन्हें याद करना करुणा संगीत सा लगता है और देखना करुणा में स्नान करने जैसा। इलाहाबाद में परिमल नामक साहित्यिक संस्था के वे सदस्य भी थे। उस संस्था के लेखक और उनके कुछ मित्र भी सदस्य थे। वे सबको पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। वे सबके पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। उनका वात्सल्य देवदारू सा ऊंचा था। मूलतः वे बेल्जियम के वासी थे। घर में माता पिता के अलावा दो भाई और एक बहन थी। परिवार बहुत अच्छा था। फिर भी उनकी इरादा भारत जाने को हुई तो उनको कोई रोक नहीं सका। भारत आने के बाद पहले जीसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार का अध्ययन किया। इसके बाद 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। उस समय प्रयाग विश्वविद्यालय में धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक विषय पर शोध कार्य पूरा किया। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए।
उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का नील पक्षी के नाम से रूपांतर किया। बाद में संत जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाध्यक्ष हो गए। इस तरह 47 वर्ष भारत में रहकर वे पंचतत्व में विलीन हो गए। फादर ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, बाइबिल का अनुवाद भी किया। उसके बाद हिंदी के विकास के लिए और उसे राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सतत प्रयास करते रहे। उन्हें उसके बाद उन्हें हमेशा दुख रहा कि हिंदी बोलने वाले ही हिंदी भाषा की उपेक्षा करते रहे। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलासन कब्रगाह में उन्हें दफना दिया गया। कैसे 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उन्हें मसीही विधि से दफना दिया गया। धन्यवाद।